हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका सोनीदीप क्लासेस के अंदर। तो बेटा, आज जो है हमारे 11th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, बात आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी है बेटा, इसने सबसे पहले जो हमारा मैटर है उसकी संरचना के बारे में बताया था। वैसे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले हमारे जो भारत के ऋषि मुनि थे, जो कनद ऋषि थे, उन्होंने भी बेटा ये बता दिया था कि जो हमारा पदार्थ है वह क्या है बेटा, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और उन सूक्ष्म कणों का जो नाम है उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, लेकिन जो आपकी जो सबसे फर्स्ट जो थ्योरी थी जिसको माना गया वो थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और जिसने सबसे पहले 1808 के अंदर जो जॉन डाल्टन नाम के जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया था, उन्होंने इस थ्योरी को बनाया था, और उन्होंने भी जो हमारा मैटर है उसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करी थी अपने पोस्टुलेट्स के जरिए। तो देखते हैं कि जो आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है। तो जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसका जो सबसे पहला जो आपका पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, जो सबसे पहला पोस्टुलेट है बेटा वो ये कहता है कि जो आपका मैटर है वो छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, और वो जो सूक्ष्म कण जो इंडिविजिबल है उनको नाम दिया गया एटम्स से। एटम जो शब्द है बेटा वो आपके ग्रीक भाषा के शब्द एटॉम्स से आया है, जिसका मतलब अनकट होता है। ठीक है ना, तो जो है ये जो हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का शेप, साइज, मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे के सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन है, हमारा जो तत्व ऑक्सीजन है अगर हम उसका एग्जांपल लें तो उसके जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स को हम ओ सिंबल से एक्सप्लेन करते हैं, ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एटॉमिक मास 16 लेते हैं। कोई भी आपके जब ऑक्सीजन की बात आती है तो हमेशा हम जो है हमारा जो ऑक्सीजन का जो एटम है उसका एटॉमिक मास 16 लेते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 8 लेते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई, उसकी जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सभी एक जैसी होंगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये कहता है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के एटम्स का साइज ऑक्सीजन के जैसा नहीं होगा, ऑक्सीजन के एटम्स का साइज हाइड्रोजन के जैसा नहीं होगा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास अलग अलग होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो आपके एटम्स हैं उन सभी का शेप, साइज, मास और प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होंगी। ठीक है ना, सेकंड ने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो शेप है, उनका जो साइज है, उनका जो मास है वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होंगे, एटम्स जो होंगे उनका शेप और साइज क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। फोर्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड एटम बनाते हैं। आजकल हम उस कंपाउंड एटम को मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, अणु, जिसको हिंदी में अणु की परिभाषा दी गई। ठीक है, जो आपके विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके क्या है, एक कंपाउंड एटम बनाते हैं, और उस कंपाउंड एटम को जो है हम बेटा मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु बोलते हैं।
फिफ्थ जो आपका पॉइंट है वो क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट आपका ये कहता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उनके मिलने का जो रेशियो होगा, मतलब किस रेशियो में मिलेंगे, तो बेटा वो रेशियो सिंपल हूल नंबर होगा। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बनाया, वाटर का फॉर्मूला H2O, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो आपके हाइड्रोजन के एटम हैं और एक आपका ऑक्सीजन का एटम है, दोनों की जब हम दोनों के एटम्स का जब हम रेशियो देखते हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करें CO2, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम का जो एटम्स का जो रेशियो है बेटा वो 1:2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, दोनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशियो 1:1 आ जाता है। तो ये जो आपका फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो यही कहता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उनका जो रेशियो होगा एटम्स का वो क्या होगा, वो सिंपल होगा और हूल नंबर रेशियो होगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है। अब आता है हमारा डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का सिक्स्थ पोस्टुलेट। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है बेटा, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड। मतलब ये कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ अलग अलग रेशियोज में मिलके एक से अधिक अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है, बनाएंगे। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रेशियोज में मिलके 1, 2, 3, 4 चार अलग अलग जो है कंपाउंड बना रहे हैं। जब आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में मिलता है तो N2O बनता है, 1:1 रेशियो में मिला तो NO बना, 2:3 रेशियो में मिला तो N2O3 बना, 2:5 रेशियो में मिला तो N2O5 मिला। यहां पर क्या है, सिर्फ मेरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलग अलग रेशियो में मिलके बेटा अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में मिलके SO2 SO3 बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में मिलके CO और CO2 बनाते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में मिलके बेटा H2O वाटर और H2O2 आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो सिक्स पोस्टुलेट ये कहता है। सेवंथ की जब बात करते हैं तो सेवंथ पोस्टुलेट ये कहता है कि जो आपका एटम है वो आपके मैटर का वो छोटे से छोटा कण है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ही एक ऐसा सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण होगा जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और जो आपका लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये जो थे बेटा, ये मेरी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के वो 8 पोस्टुलेट्स थे जिन्होंने हमारे मैटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, जिन्होंने एटम की उपस्थिति के बारे में बताया, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमारे जॉन डाल्टन सर ने दी थी, उसकी जो बेटा सबसे बड़ी खासियत थी वो क्या थी कि उसने जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको एक्सप्लेन करा था। तो हमारी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने हमारे 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करा था। तो यहां पर हम देखेंगे कि वो 4 लॉज कौन कौन से थे जिनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन करा, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन से पोस्टुलेट्स हैं जो हमारे उन लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
ये कहता है कि मास को हम ना ही तो बना सकते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये बात हमारे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन से पोस्टुलेट्स ने कही, तो मैं आपको बता दूं, हमारे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो हमारा मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, और जो हमारा जो एट्थ पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो हमारा एटम है हम उसको ना ही तो खत्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको बना सकते हैं। तो इन दोनों पोस्टुलेट्स ने मिलके जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको एक्सप्लेन करा। सेकंड हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कि जब भी आपके कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उनके कंबिनेशन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे तो उनकी वाटर फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस बात को हमारे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट नंबर 5 ने एक्सप्लेन करा कि एटम्स कैन कंबाइन इन होल नंबर रेशियो ओनली। ये बात जो है हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 5 ने एक्सप्लेन करी। तो जब हमारे एटम जो है होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी कंपोजिशन है कंपाउंड की वो हमेशा क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगी। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है वो क्या कहता है, वो ये कहता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट रेशियोज के अंदर मिलेंगे तो वो क्या है, एक से अधिक डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और ये चीज, ये जो हमारा लॉ है इसको हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 6 ने एक्सप्लेन करा। ठीक है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज एंड फॉर्म मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड्स। दोनों की डेफिनेशन आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की और पोस्टुलेट जो हमारा 6 है दोनों लगभग सेम से हैं, जिनमें एक ही बात कही गई है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरह से जो हमारा लास्ट लॉ आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन करा, वो था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं अलग अलग, अगर वो एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है या तो वो सेम होगा जिस मास के साथ वो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ मिले थे, या फिर तो उन दोनों का जो कंबाइनिंग रेशियो है वो क्या है, और वो जिस मास के साथ थर्ड एलिमेंट के साथ मिले हैं उनका जो मासेस का जो रेशियो है वो एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो ये बात जो है हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के वही पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है कि जो आपके एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ होल नंबर रेशियो में मिलेंगे। और बेटा जब कोई भी डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ होल नंबर रेशियो में मिलते हैं अलग अलग एक तरह, तो क्या होता है बेटा, उनके रेशियोज भी जो है वो म्यूचुअली क्या होंगे, एक दूसरे के साथ होल नंबर रेशियो होगा उनका। तो ये जो थे बेटा, ये हमारे 4 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन करे। और ये जो था हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि उसने 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करे। लेकिन जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी बेटा, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो बेटा क्या क्या थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस? तो सबसे पहले जो हमारी लिमिटेशन आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, वो ये आती है कि जो आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। उसने ये कहा कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का शेप, साइज, मास और जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी, लेकिन क्यों होंगी ये चीज उसने एक्सप्लेन नहीं करी और ये उसकी लिमिटेशन बन गई, कमजोरी बन गई। दूसरा जो उसकी लिमिटेशन थी, उसने क्या एक्सप्लेन नहीं करा, उसने ये एक्सप्लेन नहीं करा, उसने ये कहा कि
कि डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड एटम बनाएंगे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्यों बनाएंगे और अगर बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे। तो दूसरी जो उसकी लिमिटेशन थी ये बन गई। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड एटम्स। थर्ड जो लिमिटेशन आती है वो ये आती है कि जो हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, इस लॉ को जो है हमारी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो हमारी गैसेस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो उनके जो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर होगा, इस बात को आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोर्थ जो पोस्टुलेट आता है वो ये नहीं बता पाई कि एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में ऐसी कौन सी फोर्स है जो उस मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में बांधे रखती है, ठीक है। तो मतलब इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स को टुगेदर बाइंड करने वाली जो फोर्स थी उसका नेचर क्या था, ये जो चीज है आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिफ्थ जो आपकी लिमिटेशन आती है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की वो क्या आती है, वो बेटा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो हमारे जो हमारा मैटर है वो थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में कैसे एग्जिस्ट करता है, मतलब जो मॉलिक्यूल है उस वो जो है उसकी थ्री डिफरेंट स्टेट्स में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट फेल टू एक्सप्लेन मॉलिक्यूल इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, कि कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में कैसे एग्जिस्ट करता है, गैसेस में एग्जिस्ट कैसे करता है, या सीधी भाषा में अगर हम कहें तो वो मैटर की थ्री फिजिकल स्टेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बेटा अब आपका लास्ट लिमिटेशन आती है आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की, सिक्स्थ लिमिटेशन आती है। सिक्स्थ लिमिटेशन क्या बताती है, सिक्स्थ लिमिटेशन ये कहती है कि जो आपका डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने ये बात नहीं बताई कि जो हमारा मैटर है उसका अल्टीमेट पार्टिकल कौन सा है, एटम है या मॉलिक्यूल है, मतलब वो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाई, नहीं बता पाई कि जो आपका मैटर है उसका अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है या मॉलिक्यूल है। तो ये जो थी ये हमारी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस थी। बेटा हमारी जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हुई, तो क्या हुआ जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता तो हमारे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या हुआ डिस्कवरीज करी, जैसे जे.जे. थॉमसन सर, रदरफोर्ड, नील बोर, चैडविक, ये साइंटिस्ट आए और इन साइंटिस्ट की रिसर्चेस के बेस के ऊपर जो आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर बेटा मॉडिफिकेशंस करके उसको एक नई थ्योरी का रूप दिया गया और उस थ्योरी का नाम रखा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, या फिर आप उसको डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी मॉडिफाइड डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। और उस थ्योरी में क्या क्या नए पोस्टुलेट्स आए और किन किन को जो है मॉडिफाई करा गया उनके बारे में हम पढ़ते हैं इस डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर वन। जो हमारी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी था उसका जो पोस्टुलेट था वो ये कह उसने ये कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मींस उसके अंदर जो आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें जो आपके एटम है उसको इंडिविजिबल कहा गया कि जो आपका एटम है वो टूट नहीं सकता, लेकिन जो हमारे जे.जे. थॉमसन सर जो है इन्होंने खोज करी और इन्होंने पाया कि जो हमारा एटम है छोटे छोटे स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट हुआ वो क्या हुआ कि जो आपका एटम है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, बड़ा पेचीदा उसका स्ट्रक्चर है एंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, लगभग 35 के लगभग आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिससे जो आपका एटम है वो मिलके बना है, लेकिन उन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो तीन पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे हैं जो लगभग आपकी एटम की लगभग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसका नाम दिया गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट आता है वो क्या है, हमारी जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था उसने ये कहा कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका शेप, साइज, मास और प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बट बात क्या हुई, यहां पर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स देखे गए जिनके एटम्स का मास अलग अलग था, तो यहां पर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करा गया और जो एलिमेंट्स के एटम्स जिनका मास डिफरेंट डिफरेंट था उन एटम्स को उन एलिमेंट का क्या कहा गया, आइसोटॉप कहा गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस कॉल्ड आइसोटॉप्स। एग्जांपल अगर हम यहां ले में तो बेटा कार्बन के भी आइसोटॉप हैं और यहां पर ये जो आपका क्लोरीन है इसके भी आइसोटॉप हैं और बहुत से एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट था जो ये कहता था कि सेम एलिमेंट के एटम्स का मास, शेप, साइज सेम होगा, उसको मॉडिफाई करा गया और ये बनाया गया कि वो एलिमेंट्स जिनमें एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट होता है, तो एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका मास डिफरेंट होगा एलिमेंट्स के उन एटम्स को हमारे उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स बोलेंगे। इसी तरीके से अगला जो उसका पोस्टुलेट था उसमें ये कहा गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनका शेप, साइज और मास अलग अलग होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखे गए जिनके एटम्स का मास एक था, सेम था। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम और आर्गन। जो आपका कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास भी बेटा 40 है और जो आपका आर्गन है उसका एटॉमिक मास भी 40 है, तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है, तो जो हमारी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसको बेटा फिर से मॉडिफाई करा गया और उसमें यह बताया गया कि जिन एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम होगा उन एटम्स को हम आइसोबार्स बोलेंगे, और ये मेरे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट उसको मॉडिफाई करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में रखा गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जांपल यहां पर हमने दे रखे हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बेटा फोर्थ पोस्टुलेट आता है आपका। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बात हमारी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने भी कही थी, तो ये जो पोस्टुलेट है हमारा डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का लगभग सेम है। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट आता है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा था कि हम जो हमारा एटम है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदला जा सकता। लेकिन बेटा रिसर्चेस हुई, डिस्कवरीज हुई और उनके अंदर यह पता चला कि हम एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये जो पोस्टुलेट था कि हम एटम को कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको बदला गया, तो जो आपका एटम है ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम में, किसके द्वारा, बाय बम्बार्डमेंट विद आइदर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर न्यूट्रॉन्स। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के ऊपर अल्फा, बीटा या अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा के हम उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर बदल सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में बदल सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे ट्रांसमुटेशन। इसका एग्जांपल हमने यहां पर लिखे हैं, जैसे जो आपका न्यूट्रॉन जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट से हमने इसको क्या है,
ऑक्सीजन के एटम के अंदर बदल दिया है। और इसी तरीके से आपने जो न्यूक्लियर, ये एक्चुअली हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आती हैं, ये जो जिसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस को किसी दूसरे पर्टिकुलर एटम के अंदर बदलते हैं, दूसरे एलिमेंट के पर्टिकुलर एटम में बदलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। नीचे हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन जो आपने लगभग अब तक 10वीं क्लास तक देखी होगी कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा के बेटा उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगला जो पोस्टुलेट आता है बेटा वो क्या आता है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर ये कहा गया था कि जो हमारे एटम्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उनका कंबाइनिंग रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। लेकिन हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के जो सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिले जिनके अंदर जो एटम्स कंबाइन हो रहे थे उनके कंबाइनिंग रेशियो फिक्स था, होल नंबर था बट सिंपल नहीं था। तो उस पोस्टुलेट को भी मॉडिफाई करा गया और बना दिया गया द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल या यू कैन से दैट होल नंबर बट मे नॉट बी सिंपल। दो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिए हैं C12H22O11। इसके अंदर जो है बेटा कार्बन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है 12:22:11 है जो बेटा फिक्स है, होल नंबर है बट मेरे को कहीं से सिंपल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्टार्च के एग्जांपल लेता हूं तो स्टार्च के एग्जांपल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 6:10:5 है, होल नंबर है, फिक्स है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आपका पोस्टुलेट था इसको भी बदल दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया कि जब भी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उनका जो कंबाइनिंग रेशियो है फिक्स होगा, होल नंबर होगा बट सिंपल नहीं हो सकता, तो या हो भी सकता है सिंपल, मे और मे नॉट बी सिंपल, ठीक है, सिंपल हो भी सकता है। जैसे ये तो हमारे कुछ एक एग्जांपल्स है, बाकी अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो उनके अंदर जो हमारा एटम्स का जो रेशियो है वो सिंपल होता है। इसने ये बताया, ये कहा कि जरूरी नहीं है कि वो सिंपल ही होगा, ठीक है ना। तो ये बात कही। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका पोस्टुलेट आता है वो क्या कहता है कि जो मास है आपके मैटर का, जो मास है ठीक है ना, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इस बात को आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² ने बखूबी एक्सप्लेन करा था, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट था, द मास ऑफ एन एटम या मास ऑफ मैटर मे चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी के अंदर चेंज करा जा सकता है। तो ये जो थी बेटा आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस और हमारी मॉडिफाइड डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। थैंक यू।